नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए कमाल के थ्रेसर लेकर के आ गया हूं दोस्तों। बिना ट्रैक्टर के चलने वाले थ्रेसर हैं ये। आप छोटे किसान हैं या बड़े किसान हैं, आपके पास में कम ज़मीन है या ज़्यादा ज़मीन है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने सेल्फ यूज़ के लिए। कहने का मतलब ये है कि आपको समय पर आपका जो फसल है उसकी निकासी नहीं हो पाती है, बड़ी दिक्कत आती है, तो आप इनका सहारा लेकर के अपना सारा काम कर सकते हैं। पूरी रेंज यहाँ पर ये रखी हुई है दोस्तों, तरह तरह के जो थ्रेसर हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले जो कंपनी के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ आपका परिचय करा देता हूँ, उसके बाद में जानते हैं इन कमाल के थ्रेसर के बारे में। नमस्कार राहुल भाई। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार मेरे भाइयों, मेरा नाम है राहुल छिब्बर, मैं और मेरे छोटे भाई साहब पारुल जी, हम दोनों भाई पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन है कोटकपूरा, वहाँ पे हमारी कंपनी है छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स के नाम पे। हमारी कंपनी आपके लिए ढेरों उपकरण लेके आती है जिससे आप अपना काम तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इन मशीनों को किराए पे लगा के भी अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। अब जैसे कि सुमित भाई ने आपको बताया, जो ये सीजन है कटाई के बाद अब थ्रेशर की जरूरत होती है, बिल्कुल, तो इसमें आपको लाखों रुपया लगाने की, बड़े थ्रेशर लेने की, ट्रैक्टर लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इस छिब्बर एग्री इक्विपमेंट कंपनी में ढेरों मॉडल हैं थ्रेशर के, छोटे से लेके बड़े तक हर रेंज में आपको थ्रेशर मिल जाएगा। जी राहुल भाई, शुरुआत यहाँ से करके चलेंगे। अब दोस्तों नॉर्मली जैसे धान या गेहूं की थ्रेशिंग जब होती है जी, या तो वो क्या होता है कूट कूट के निकालनी पड़ती है जो मैनुअली हमें, जब वो निकालते हैं उसमें हमारा लेबर टाइम समय बहुत लगता है, बिल्कुल, और सेकेंडली उसमें दाने टूटने की भी समस्या आती है, बिल्कुल, जो हमारे बीज है वो खराब हो जाते हैं, अनाज का अपमान भी होता है, बिल्कुल। उसी क्रम में हमने ये मैनुअल थ्रेशर निकाला है। इसको कुछ नहीं करना है, जैसे सिलाई मशीन के पीछे पैडल लगा रहता है वैसे ये पैडल लगा हुआ है, आपने हल्का सा ये पैडल दबाना है और ये जो आपका वो ये करना स्टार्ट कर देगा, पैडल के साथ में रोटेट करने लगेगा, बिल्कुल जी, जी। और इसमें आप बहुत आसानी से कोई भी बच्चे से लेके बूढ़ा तक कोई भी आसानी से इसको ऑपरेट कर सकता है। जी राहुल भाई, अगले मॉडल की तरफ चलूंगा, ये क्या खास मशीन है, ये क्या काम करती है? से ये जो मॉडल है, अब जैसे मक्के की बात करें, कई भारत के राज्य ऐसे हैं जहाँ पे मक्के की खेती होती है। अब जब मक्के की खेती जहाँ पे होती है वहाँ पे अगर हम मक्के को मार्केट में मंडी में वैसे ही लेके जाते हैं बेचने के लिए, तो उसका वो हमें दाम नहीं मिलता है, बिल्कुल, उसके लिए हमें दाना निकलवा के लेके जाना पड़ता है, बिल्कुल। अब दाना निकलवाने के लिए फिर लाखों का थ्रेशर या ट्रैक्टर लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। तो हमने ये बहुत छोटा सा कॉर्न थ्रेशर डिजाइन किया है जिसमें 2 HP की सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग की मोटर लगी हुई है जी। इसमें काम बहुत आसानी से, आगे से आपने जो भुट्टा है वो डाल देना है जी। इसने उसके दाने अलग कर देने हैं और जो खोल है गुला है वो अलग निकाल देगा आपका जी। राहुल भाई, इसके अंदर एक लीवर देख पा रहा हूँ, ये क्या काम करने वाला है? सही है, लीवर का काम क्या है, अब जैसे भुट्टे के साइज होते हैं, अलग अलग किस्म का भुट्टा है, कोई लंबा है, कोई गोल है, कोई मोटा है, उस हिसाब से आप इसको यहाँ से टाइट या लूज कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग गियर दिए हुए हैं। राहुल भाई, इसके अंदर जो मोटर लगी हुई है आपने बताया 2 kW के 2 HP की मोटर इसके अंदर लगी हुई है, बिजली खपत की तो वो कितनी करने वाली है? सर अगर 2 HP की मोटर की बिजली खपत की बात करें तो घंटे में मात्र आपका ये 1.5 यूनिट के करीब बिजली कंज्यूम करेगी जी। और वहीं अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो प्रति घंटे ये आपका 6 से लेकर 7 क्विंटल दाने निकाल के आपको देगी। और खास करके जैसे पहाड़ी एरियाज की बात करें, क्योंकि मक्के की खेती पहाड़ी एरियाज में भी बहुत होती है, बिल्कुल, तो वहां पे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भी इसको उठा के लेके जा सकते हैं, यानी कि इसको कैरी करना भी बड़ा इजी है, बहुत आसानी से जी। अगले मॉडल की तरफ चलता हूँ राहुल भाई, तो ये क्या मॉडल है, इसका काम क्या है और फीचर्स क्या है इसके अंदर? अब चिमा जी, ये जो मॉडल है हमने कॉर्न थ्रेशर को ही अपग्रेड कर दिया है जी। ये मॉडल है कॉर्न थ्रेशर कम पीलर के नाम पे जाना जाता है जी। नॉर्मल में क्या है, जब भुट्टे के हमने दाने निकालने हैं तो मैनुअली पहले उसके ऊपर से छिलका उतारना पड़ता है, बाल निकालने पड़ते हैं, टाइम समय लेबर ये सब की वेस्टेज होती है, बिल्कुल। तो उसका बचाव के लिए, ताकि जो मेरे किसान भाई है उनका समय भी बचे, पैसा भी बचे, लेबर कॉस्ट भी बचे, बिल्कुल, इसमें आपने क्या करना है, साबुत भुट्टा वैसे का वैसे ही डाल देना है, ये उसका छिलका भी उतारेगी, बाल भी अलग करेगी, गुठली अलग करेगी और दाने आपको अलग निकाल के देगी ये मॉडल। इसकी जो बिजली खपत है वो कितनी रहने वाली? चीमा जी, ये जो कॉर्न थ्रेशर कम पीलर है इसमें 3 HP की सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग की मोटर लगी रहती है जी। इसकी अगर बिजली खपत की बात करें तो घंटे का मात्र आपका 2.5 यूनिट के करीब बिजली कंज्यूम करेगी जी। और वहीं अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये भी आपका 1 घंटे में तकरीबन 7 क्विंटल दाना आपको निकाल के ये मशीन देगी। 7 क्विंटल तक का प्रोडक्शन घंटे भर में निकाल सकता है किसान इससे? बहुत आसानी से निकालते हैं सर जी। अगले मॉडल की तरफ चलता हूँ राहुल भाई, तो ये क्या मॉडल बनाया है? चीमा जी, अब कई भारत के राज्य ऐसे हैं, खास करके जैसे राजस्थान हो गया या गुजरात हो गया, जहाँ पे मूंगफली की खेती होती है, बिल्कुल। अब जब मूंगफली की खेती होती है, आपने चलो मूंगफली झाड़ भी ली, बिल्कुल। अब जब मूंगफली के दाने निकाल के या हमने उसका बीज बनाना है या उसको नमकीन में डालना है या उसको पैकेजिंग करके बेचना है तो उसके दाने निकालने पड़ते हैं, बिल्कुल। वही या तो मैनुअली करें तो टाइम लगता है, बिल्कुल, समय बहुत वेस्ट होता है,
उसके लिए हमने ये पीनट डेकोरेटर निकाला है जी। इसका काम क्या है, 3 HP की सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग की मोटर लगी देती है इसमें, आप अपना काम तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आस पड़ोस वालों का किराए पे जाके भी अच्छा खासा आप कमाई कर सकते हैं वहाँ पे। ऊपर से आपने जो मूंगफली है वो डालनी है, ये उसका छिलका फोड़ के अंदर से दाने आपको निकाल के देगी, जिसको आप आगे पैकेजिंग करके बेच भी सकते हैं, और अगर बीज बनाने की बात करें तो बीज भी आप इससे तैयार कर सकते हैं। यानी कि राहुल भाई, ये जो मशीन है इससे किसान मेरा, दर्शक भाई मेरा, दो तरीके से रोजगार कमा सकता है। एक तो अपना भी वो काम कर सकता है, अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो उसका उसके अंदर भी काम में ले सकता है। दूसरा, अगर वो चाहता है कि इसको भाड़े पे चला लूं मैं तो वहां पर भी काम में ले सकता है, वहां पर भी काम में ले सकता है। अब जैसे नॉर्मल बात करें जी, मूंगफली से तैयार होने वाले नमकीन है, बिल्कुल गचक बनती है, तमाम तरीके की मिठाइयों में जहां पे यूज होता है, तो वहां पे हमें मूंगफली पहले फोड़नी पड़ती है, बिल्कुल, जिसमें टाइम लगता है, तो वो सभी झंझट से बचाने के लिए मशीन हमने तैयार की है। जिसको कॉम्पैक्ट साइज में बनाया गया है जी। और इसमें भी जो हमने मोटर लगाई है, सिंगल फेस की मोटर लगाई है, जो कि आपके घरेलू कनेक्शन पे चलेगी जी। इसकी जो प्रोडक्शन की बात मैं कर लेता हूँ, तो कितना प्रोडक्शन कर सकता है किसान? तो ये मॉडल भी प्रति घंटे आपका 6 से लेकर 7 क्विंटल मूंगफली में से दाने निकाल के देगा आपको। 6 से 7 क्विंटल का प्रोडक्शन पर आवर कर सकता है किसान, प्रति घंटे ये। जी जी जी। अगले मॉडल की तरफ चलता हूँ राहुल भाई, तो ये क्या मॉडल है, इसका काम क्या है? अब चीमा जी बात करें, भारत के कई राज्य ऐसे है जहाँ पे साल में 2-3 फसलें ली ही धान की जाती है, बिल्कुल, जैसे हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स आ गई, असम आ गया, मिजोरम आ गया, नागालैंड है, मणिपुर है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, उन स्टेट में क्या है, जब धान की खेती होती है तो जहां धान की खेती होगी वहां की जमीन भी थोड़ी गीलेपन में होती है, बिल्कुल, ट्रैक्टर माउंटेड या बड़े थ्रेशर वहां पे जा नहीं सकते हैं, बिल्कुल, तो वहां पे लोग क्या कहते हैं, आज भी मैनुअली या तो दाना निकालते हैं। उसके लिए हमने ये थ्रेशर डिजाइन किया है जी। ये स्पेशली धान यानी कि पैडी का काम करेगा जी। किसी भी किस्म का आपका धान है उसकी थ्रेशिंग ये आपको करके देगा। चलाने के लिए हमने 7 HP का 4-stroke एयर कूल पेट्रोल इंजन इसमें लगा दिया है जी। फंक्शनिंग बहुत ही आसान है, यहाँ से आपने जो आपकी फसल है वहाँ वो यहाँ से डालेंगे जी। आगे से पराली उसकी बाहर आ जाएगी, जो धूल मिट्टी है वो इस आउटलेट से बाहर आनी शुरू हो जाएगी जी। और जो साफ दाना है आपका वो यहाँ नीचे से आपका इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इससे भी किसान भाई अपना काम तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ किराए पे चला के भी अच्छा खासा मुनाफा वो कमा सकते हैं। प्लस एक और फायदा इसका ये मिल जाएगा कि किसान छोटी जगहों में भी आसानी से इसको यूज कर सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अपने यूज के लिए ले ले या वो किसी पर्पस अदर पर्पस से जी। इसकी जो पेट्रोल खपत है वो कितनी रहने वाली है? चीमा जी, जो इसमें 4-stroke इंजन लगा हुआ है ये प्रति घंटे आपका तकरीबन 700 ml के करीब पेट्रोल कंज्यूम करेगा जी। और वहीं अगर इसकी प्रोडक्शन की आउटपुट कैपेसिटी की बात करें जी, तो ये मॉडल भी आपका प्रति घंटे तकरीबन 7 क्विंटल दाना आपको निकाल के देगा। ये मॉडल 7 क्विंटल अनाज ये निकाल देगा साबुत धान में, बिल्कुल जी। उसके बाद अगले मॉडल की तरफ चलूंगा राहुल भाई, ये दिखने में इनसे बड़ा भी है, अलग भी है, बिल्कुल। ये क्या मॉडल बनाया है? अब चीमा जी, ये जो मॉडल आ जाता है ये मल्टी क्रॉप थ्रेशर में आ जाता है जी। अब क्या होता है, जैसे कई किसान भाई कहते हैं धान की हमने फसल ले ली जी, उसके अलावा हम कभी तो दालें उगा लेते हैं, कभी हमने मस्टर्ड भी उगाई हुई है, कई जगह सोयाबीन का मान लो थ्रेशिंग करनी है, बिल्कुल। या कई जैसे स्टेट्स हैं कर्नाटका, केरला, साउथ इंडिया में जैसे मिलेट्स बहुत लगते हैं जी, रागी हो गया, उसकी उन्होंने थ्रेशिंग करनी है, तो ये उन सभी की थ्रेशिंग करने के लिए ये मशीन डिजाइन की गई है। और इसको जो हाफ फीड इसलिए कहा जाता है, जैसे कई राज्य ऐसे हैं जहां पे किसान भाई चाहते हैं जो पराली है वो साबुत उनके पास बच जाए, क्योंकि साबुत पराली से वो खाद भी बना सकते हैं, उसकी गठरियां बना के मार्केट में बेच भी सकते हैं, अनेकों काम में ले लेते हैं, जानवरों को चारे के काम में यूज हो जाता है या फ्रूट्स पैकेजिंग के काम पे यूज हो जाता है, बिल्कुल। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपने फसल को यहाँ पे डालना है जी, उसका दाना झट जाएगा और पराली आपके हाथों में साबुत की साबुत पराली बच जाएगी जी। और दाना साफ होके आपका आगे से बाहर आ जाएगा जी। यानी कि इसके अंदर किसान यहाँ से जो है अपनी पुआल डालेगा, अनाज को अंदर ले लेगी ये, उसको किसान अलग रख, बिल्कुल सर, साफ जो धान है वो यहाँ से आउटलेट, बिल्कुल जी। जो भी आप इसमें मान लो दालों की थ्रेशिंग कर रहे हैं, सोयाबीन कर रहे हैं, मटर या चना कर रहे हैं, वो सभी अलग इसमें आ जाएगा, चाहे जो फसल इसके साथ निकाल सकता जी, है किसान, बिल्कुल सर। इसके अंदर भी राहुल भाई मैं इंजन देख रहा हूँ, पेट्रोल वाला इंजन है, तो क्या सेम इंजन रहने वाला है या डिफरेंस है इसके? सेम इंजन जी, 7 HP का 212 cc का इंजन है। अब ये जो मॉडल है उससे थोड़ा बड़ा है, बिल्कुल। तो इसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहियों की ऑप्शन भी दे दी है। अच्छा, टायर भी दे दिए इसके? टायर भी दे दिए ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके जी। और इंजन की एडजस्टमेंट के लिए, जैसे टाइम डाल के कस्टमर कहते थे कि बेल्ट ढीली होने की समस्या रहती है, बिल्कुल, तो इंजन की एडजस्टमेंट के लिए कोई आपको नट नहीं खोलना है, यहीं से इंजन को आप आगे या पीछे टाइट कर सकते हैं जी।
और प्रोडक्शन ये भी प्रति घंटे आपका 7 क्विंटल दाना आपको निकाल के देगी। 7 क्विंटल पर आवर किसान आसानी से निकाल, बहुत आसानी से। अगले मॉडल की तरफ बढ़ते हैं राहुल भाई, मॉडल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, एक से एक जबरदस्त मॉडल आपने बना दिया। ये देख रहा हूँ उनसे अलग डिफरेंट है बिल्कुल दिखने में ही, तो क्या फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं? चीमा जी, इन दोनों मॉडल्स में फर्क ये है, वो हाफ फीड था, ये फुल फीड है। अच्छा, फुल फीड क्या होता है, आपने पूरी फसल अपनी बीच में डाल देनी है जी, पराली अलग आ जाएगी जी, ठीक है जी, जी। ये भी आपका मल्टी क्रॉप में काम आता है, धान में आपका काम आ जाएगा, हर किस्म की दालों में काम आएगा जी, सरसों में आपका काम आ जाएगा, मूंग जैसे हो गया, सोयाबीन हो गया वहां पे काम आएगा, रागी जैसी फसलों में भी काम आएगा जी। इसमें भी सेम वही फंक्शनिंग है, पेट्रोल इंजन लगा हुआ है, वही प्रोडक्टिविटी आती है, वही ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहिए लगे हुए हैं। अकेला फर्क क्या है, उसमें जो पराली आपके हाथों में रह जाएगी, बिल्कुल ये फुल फीड है, पराली आगे से बाहर निकालेगा ये। अगले मॉडल की तरफ बढ़ जाता हूँ राहुल भाई मैं, तो ये जो मॉडल है सभी से डिफरेंट है, बिल्कुल कलर भी डिफरेंट है इसका जी, तो इसके अंदर क्या फीचर्स दिए गए हैं? चिम्मा जी, ये जो मॉडल है जी, पहली बात तो 100% मेड इन इंडिया के तहत बना हुआ है जी, एक एक चीज इसमें, एक नट से लेके नीचे पहिए तक 100% स्वदेशी इसमें लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है जी। ये जो मॉडल है मल्टी क्रॉप का मॉडल है, अब मल्टी क्रॉप कस्टमर कहेंगे वो भी मल्टी क्रॉप है, बिल्कुल। अब दोस्तों, अगर आपको धान की फसल के साथ साथ बाकी फसलें करनी है तो आप ये दो मॉडल ले सकते हैं जी। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आप धान को छोड़ के गेहूं की फसल, अब जैसे भारत के कई राज्य हैं जहां पे गेहूं मुख्य क्रॉप है, बिल्कुल, जिनको गेहूं की क्रॉप के साथ साथ बाकी दालों की, सोयाबीन की, चने की, सरसों की थ्रेशिंग करनी है, तो वो ये मॉडल ले सकते हैं जी। ये मॉडल में भी एक एक चीज इसकी हैवी ड्यूटी की है, चाहे आप इसका फ्रेम लगाइए, एंगल लगाइए, पहियों आप देख सकते हैं जी। इसमें सेफ्टी फीचर का भी बहुत ख्याल रखा गया है, मैं आगे चल के आपको इसका सेफ्टी दिखाता हूँ। बिल्कुल, अगर दर्शक मैंने ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसके जो ब्लेड्स चल रहे हैं, बिल्कुल, और ये जो इसका इनलेट हॉपर है, आप जितना भी कोशिश करें आपका हाथ ब्लेड तक नहीं पहुंचेगा जी। ये सबसे पहले इसमें सेफ्टी फीचर आ गया, बिल्कुल। उसके बाद इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा सकते हैं जी। यहाँ से हम फसल डालेंगे जी, जो इसकी पराली है वो यहाँ से बाहर आ जाएगी, बिल्कुल। और जो दाना है नीचे, अगर आप ध्यान से देखें, वाइब्रेटर ट्रे के समान लगा हुआ है, बिल्कुल। जब इंजन चलेगा ये दोनों जालियां आपस में छनछनाएंगी, बिल्कुल, जिससे धूल मिट्टी नीचे हो जाएगी और साफ दाना आपका यहाँ से बाहर आना शुरू हो जाएगा जी। यानी कि जो काम है इसका वो भी बिल्कुल सरल है, प्लस पूरी जो मशीन है हैवी ड्यूटी बनाई, बिल्कुल जी। इसका जो प्रोडक्शन है राहुल भाई, कितना निकालने वाली है? सर, ये मॉडल भी प्रति घंटे आपका 6 से लेकर 7 क्विंटल दाना निकाल के देगा आपको, बड़ी आसानी से निकाल, बहुत आसानी से सर, बहुत आसानी से। लास्ट वीडियो हमने किया था, मेरे दर्शक भाई, कई भाई कमेंट ये कर रहे थे, जैसे कुछ मॉडल अपने पेट्रोल वाले हैं, कुछ मॉडल अपने मोटर वाले हैं जी, तो दर्शक भाई चाहे तो क्या इसके अंदर इंजन को हटा करके अपनी मोटर का भी यूज कर सकता है? सर, ये जो मॉडल हमने डिजाइन किया है, अगर कोई किसान भाई हमसे चाहता है कि वो बिना इंजन लेना चाहता है, वो भी उसको मिल जाएगा जी। अगर आपके पास घर पे मोटर पड़ी हुई है, आप वो भी अटैच कर सकते हो, कम से कम 3 HP की मोटर लगेगी इस पे जी। 3 HP उससे बड़ी मोटर आप इस पे लगा सकते हो जी। अगर 3 HP से छोटी मोटर लगाओगे तो भैया उसके चक्कर नहीं बनेंगे, जिससे आपको इसकी प्रोडक्टिविटी नहीं, RPM कम रह जाएगा, बिल्कुल जी, जी। और तो और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जिन किसान भाइयों के पास छिब्बर एग्री इक्विपमेंट से लिए हुए पावर वीडर्स हैं, PTO शाफ्ट वाले जी, आप उसकी PTO शाफ्ट के साथ इसकी बेल्ट को लाइन करके पुली लगा के इसको PTO शाफ्ट के ऊपर भी चला सकते हो। यानी कि जिनके पास में वीडर हैं तो उनके इंजन के पैसे बचने वाले हैं, बिल्कुल जी। तो दोस्तों, ये देखे आप लोगों ने कमाल के थ्रेसर। अब बात निकल कर के जाती है इनकी गारंटी वारंटी की, या आप लोग अगर खरीदने का विचार कर रहे हैं तो कैसे खरीद सकते हैं, और सबसे मेन सवाल जो आपका रहता है कि कीमत क्या रहने वाली है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे मैम से हम। मैम आपको जानकारी देंगी। नमस्कार मैम। हरे कृष्णा जी। मेरा नाम सोनिका छिब्बर है, मैं छिब्बर एग्री इक्विपमेंट से हूँ। हमारी कंपनी पंजाब में बठिंडा सेगला स्टेशन कोटकपुरा में है जी। तो कंपनी गारंटी वारंटी के ऊपर किस तरीके से काम कर रही है? छिब्बर एग्री इक्विपमेंट माना जाता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए। हमारी सभी प्रोडक्ट्स पे 12 महीने की यानी 1 साल की वारंटी मिलती है, और उसके बाद भी अगर आपको कोई स्पेयर पार्ट चाहिए तो हमेशा ही मौजूद मिलेगा जी। यानी कि किसान को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, कंपनी सपोर्ट में खड़ी है, बिल्कुल। अब बात निकल कर किया जाती है इनकी कीमत की, तो साइड बाई साइड आप मेरे दर्शक भाइयों को इनकी कीमत जागरूक कराते चलें, और बाद में इसके बात करेंगे हम इसके खरीदने के प्रोसीजर के बारे में।
ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसका प्राइस है मात्र 18,500 जी। और इसको लेने के लिए आपको 4,000 एडवांस करवाना पड़ेगा जी। और ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसका प्राइस है मात्र 24,000 यानी 24,000 जी। और इसको लेने के लिए आपको 5,000 एडवांस करवाना पड़ेगा जी। ये जो मशीन है इसका प्राइस है मात्र 29,000 यानी 29,000 और इसको लेने के लिए भी आपको 5,000 एडवांस करवाना पड़ेगा जी। और ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसका प्राइस है मात्र 50,000 यानी 50,000, इसको लेने के लिए भी आपको 10,000 एडवांस करवाना पड़ेगा जी। ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसका प्राइस है मात्र 45,000 यानी 45,000, और इसको लेने के लिए भी आपको 5,000 एडवांस करवाना पड़ेगा जी। हम बढ़ते हैं अगली मशीन के पास। ये जो मशीन है इसका प्राइस मात्र 65,000 है यानी 65,000, और इसके लिए आपको 10,000 एडवांस करवाना पड़ेगा जी। ये जो मशीन है इसका प्राइस मात्र 70,000 है यानी 70,000, और इसके लिए आपको 10,000 एडवांस करवाना पड़ेगा जी। ये जो लास्ट मॉडल आप देख रहे हैं इसका प्राइस है मात्र 55,000 यानी 55,000, और इसको लेने के लिए भी आपको 10,000 एडवांस करवाना पड़ेगा जी। अब मैम, मेरे दर्शक भाइयों ने इनकी कीमत भी जान ली है। कई बार क्या होता है कि दर्शक भाई खरीदने के इच्छुक हैं, कंपनी को कॉन्टैक्ट करते हैं, तो कंपनी का जो बंदा है कोई भी अगर कॉल उठाता है, एग्जीक्यूटिव है, वो उससे सेटिस्फाई नहीं है। मान लो किसी अदर बंदे से वो बात करना चाहते हैं या वो डिससेटिस्फाई है उस बंदे से, तो किस तरीके से वो उनका समाधान किया जाता है? इसके लिए आप जहाँ पे कॉल कर रहे हैं अगर आपकी कॉल नहीं उठाई जा रही तो आपने एक छोटा सा काम करना है, आपने कॉल लॉग में जाके स्क्रीन कैप्चर लेना है जी। जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे हैं उसका एक फोटो लेना है, स्क्रीन कैप्चर लेना है और इस नंबर पे भेजना है। मैं नंबर बोलना चाहूँगी 9855219706, ये पारुल भाई का नंबर है। आप इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे और साथ ही आपका समाधान करवाया जाएगा जी। यानी कि किसान को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं मैम इनके खरीदने के प्रोसीजर के बारे में। जो दर्शक भाई आने में समर्थ हैं किस तरीके से विजिट कर सकते हैं, एड्रेस क्या रहने वाला है, और जो दर्शक भाई चाहते हैं कि घर पर बैठे हुए खरीद लें, घर पर बैठे हुए मंगवा लें, तो किस तरीके से वो इसको घर पर बैठे हुए खरीद सकते हैं? इसको मंगवाने के लिए पहले तो जो लोग यहाँ पे आ सकते हैं हमारी कंपनी को विजिट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली आइए हमारी कंपनी विजिट कीजिए। हमारी कंपनी पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन कोटकपुरा है, आप यहाँ पे आइए और हमारे डेरो प्रोडक्ट्स और भी विजिट कीजिए। और दूसरी ऑप्शन है आप घर बैठे ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। और मैं नंबर बोलना चाहूँगी 9855219706, हमारा दूसरा नंबर है 9814231007, आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए। इन केस आपकी कॉल नहीं उठाई जा रही तो हमारे कॉलिंग स्टाफ की तरफ से आपको बैक कॉल आएगा जी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखे ये कमाल के थ्रेसर, जिसके अंदर मल्टी क्रॉप थ्रेसर भी आप लोगों ने देखे, पेडी थ्रेसर भी आप लोगों ने देखे, कॉर्न थ्रेसर भी आप लोगों ने देखे, साथ में मूंगफली थ्रेसर भी आप लोगों ने देखे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से राय जरूर दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उन दर्शक भाइयों तक जो दर्शक भाई अपना काम, अपनी खेती के काम को आसान बनाना चाहते हैं, अपनी फसल को समय से उसकी निकासी करना चाहते हैं, जिससे कि जो अगली फसल है उसकी तैयारी समय से वो कर पाए, तो उन किसान भाइयों तक भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हर बार की तरह आप सभी का बार बार वीडियो को आकर देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।